सोलन शहर से इस वक्त की बड़ी खबर, फूड प्वाइजनिंग का शिकार हुए दर्जन भर से अधिक लोग जिला अस्पताल में भर्ती। दूषित खाना खाने से 14 लोगों की बिगड़ी हालत, दो लोगों की हालत बताई जा रही नाजुक। फूड प्वाइजनिंग की वजह से बीमार हुए लोगों में कई बच्चे भी शामिल, सभी बीमारों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। CMS राजीव प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर जाना सभी का हाल। कुटू का आटा और पालक खाने से बीमार बताए जा रहे सभी मरीज, परिवार के सभी सदस्यों के बीमार होने से मचा हड़कंप। देहात कोतवाली क्षेत्र के चंदेरू गांव की घटना। चंद्रशेखर, कितने लोग आपके परिवार में बीमार हैं, क्या खाए? हमारे परिवार में 7 लोग हैं, तो उसमें से 7ों को 7 यहीं करते हैं। इसमें दो कि थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा खराब थी तो लक्ष्मण लाइफ में चले गए। ऐसा था, व्रत वगैरह चल रहा था तो व्रत का ही खाना खाया था इन लोगों ने। ये सब आलू वगैरह आ गया, कूटू वगैरह आया, समा के चावल वगैरह, ये सब चल रहा है इस टाइम तो यही खाना खाया था इन लोगों ने। एक ही परिवार के? एक ही परिवार के। तो लक्ष्मण लाइफ लाइन में 5 यहीं पर हैं अभी। इनके जाँच वगैरह हुई हैं अभी, तो अभी थोड़ी सी रिपोर्ट वगैरह नहीं आई है। इन्होंने कुछ खाने में कुछ इनका गड़बड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी हुई है, तो अभी आए हैं ये लोग। ये वैसे तो सब ठीक है, कुछ एक ही परिवार के हैं, उनमें बच्चे भी हैं कुछ साथ में इसमें। अब देखिए इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएंगे। फूड पॉइजनिंग का मामला था, सुबह भी आया था। हाँ, सुबह भी आया था, वो दूसरे गाँव का था। उन्होंने कुत्तों के आटे की तो कुछ सामान खाया होगा बना के, तो उसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई। उसमें कितने लोग थे? उसमें भी 7 लोग ही थे। अभी कौन से गाँव से? चंदेरू। क्या मामला हुआ आपके साथ? बस वो खाई 3:00 बजे खाना खाया, रोटी तो उल्टी थी, गैस सा बनने लगा, फिर होने लगा दर्द सा होने लगा, गैस उल्टी हो गई, फिर उल्टी दस्त हो गया, फिर गया वहाँ से दवाई ले ली गाँव में। तो कितने लोगों को हुआ आपको परिवार में? 7ों को, 5 बच्चों को, 2 महीने बीबी लगेगा। सबको एक सी? हाँ, सबको उल्टी दस्त।